अंदर घुसाओ ना और टाइट करो और घुसाओ। संजना और प्रीति दोनों ही सगी बहनें होती हैं, लेकिन प्रीति पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। वहीं उसकी बहन संजना पूरी उसकी उल्टी होती है। वो बहुत बदतमीज और गंदी बातें करने वाली लड़की होती है, जिसकी वजह से संजना को सब लोग बहुत खरी खोटी सुनाया करते हैं। एक दिन जब वो सड़क से गुजर रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरकर एक चुड़ैल बन जाती है। क्या हुआ जो वो मुझे ठोक के चला गया? मैं चुड़ैल बनकर अब सबको मारूंगी। जिन जिन लोगों ने मुझे जी तेजी परेशान किया, खास करके उस प्रीति की बच्ची, उसका तो मैं जीना हराम करके रखूंगी। संजना जब घर पहुंचती है, तभी देखती है कि प्रीति की शादी हो रही है और वो भी अभिनव से, जो कि एक टाइम पर संजना का क्रश हुआ करता था। प्रीति एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न बहू होती है और उसकी सास मनोरमा, ससुर किशनलाल, जेठ आलोक और जेठानी बेला उससे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन चुड़ैल संजना का काला साया अब भी प्रीति पर मंडरा रहा था। किसी को मेरी मौत का गम नहीं हुआ और इस कमीनी की शादी करवा दी। अब देखना इस संस्कारी बहू को ये डबल मीनिंग वाली बदमाश चुड़ैल कैसे अपने वश में करती है। चुड़ैल संजना प्रीति के अंदर घुस जाती है और वो सबसे डबल मीनिंग अभद्र तरीके से बातें करने लगती है। केला दीदी, मेरा मतलब बेला दीदी, मरवा मरवा कर आपके बहुत बड़े होते जा रहे हैं। सच में? क्या ये क्या बदतमीजी है प्रीति? ओफो, मेरे कहने का मतलब है कि आपके बालों में हेयर स्प्रे मार मार कर आपके बाल बड़े होते जा रहे हैं। अच्छा, ओके। फिर जब प्रीति अपने जेठ आलोक को नाश्ता दे रही होती है, तभी ये लो जेठ जी, वैसे भी कर करके आप भी बहुत दुबले पतले होते जा रहे हैं। आपका बहुत बड़ा होगा है ना? मुझे तो बड़ा ही पसंद है। छोटकन बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अरे अभिनव, जरा समझाओ अपनी पत्नी को, ये सब क्या बोल रही है ये? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि काम कर करके जेठ जी बहुत दुबले पतले होते जा रहे हैं और इनका ऑफिस तो बहुत बड़ा होगा है ना? मुझे बड़े ऑफिस बहुत पसंद है। सच में आप लोगों की ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और जब वो आईने में देखती है, तभी उसे आईने में चुड़ैल संजना दिखाई देती है। तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ संजना? मैं तो तुझे बर्बाद करके ही तभी मुक्ति पाऊंगी। दोपहर में जब प्रीति बनिए वाले से फोन पर बात कर रही होती है, तभी हाँ हाँ, वो वाला पैकेट तो जरूर डालना, वो बहुत टाइम तक चलता है और उसे लगाकर करने में तो मेरे पति को बहुत मजा आता है। हाय हाय, ये किस पैकेट की बात कर रही है? देखो छुटकन बहू। ओफो, आप लोग भी ना कितनी गंदी सोच वाले हो। मैं तो बनिए की दुकान से टूथपेस्ट का पैकेट मंगवा रही हूँ, जिसमें एक पे एक फ्री मिलता है और बहुत टाइम तक चलता है, और उसे लगाकर ब्रश करने में मेरे अभिनव को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन जब प्रीति अपने पति अभिनव के साथ चप्पल की दुकान में जाती है, तभी चप्पल वाला उसे चप्पल पहना रहा होता है साइज टेस्टिंग के लिए। ओफो, और जरा अंदर घुसाओ ना और टाइट करो और घुसाओ जोर से। ये सब सुनकर दुकान में मौजूद सभी लोग पेट दबाते हुए हंसने लगते हैं और शर्मिंदा होकर अभिनव प्रीति को वहाँ से ले जाता है। वही एक दिन सभी घर पर होते हैं
तभी चलो अब मुझे कपड़े उतार कर चूसना है। आज तुम्हें बहुत चूसूंगी। माँ जी, बेला दीदी, आप भी चलो कपड़े उतार कर सब मिलके चूसते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और मनोरमा अपनी बहू को बेलन से मारने लगती है और उसे घर से बाहर निकालने लगती है। चल चल, आज बहुत हो गया तेरा नाटक। छे, तो जैसी गंदी और डबल मीनिंग वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ माँ, निकाल दो इसे यहाँ से। जब वो लोग प्रीति को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं, तभी तेज हवा चलती है और मंदिर में रखा हुआ कुमकुम उड़कर प्रीति के ऊपर गिर जाता है, जिससे प्रीति के अंदर वास कर रही बहन चुड़ैल संजना डर से कराने लगती है और वो उसके शरीर से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, नहीं, मुझे इससे दूर करो, मुझ पर पानी दो प्रीति, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं ही थी जो इसके अंदर घुसकर डबल मीनिंग वाली बातें कर रही थी, ताकि इसके ससुराल वाले इसे घर से निकाल दे और दुनिया वाले इसकी बदनामी करे। जल्दी जल्दी पानी डालो, वरना मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। संजना तड़प तड़प कर मर के भस्म हो जाती है। चंदन आज ऑफिस से बहुत लेट आया होता है। वो बंगले में आता है और उत्सुक होकर गाते हुए अपने कमरे की ओर जाता है। तुम है अपना बनाने की कसम, खाई है। प्रीति, आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। आज की रात एकदम यादगार बना दूंगा। सुहाग रात अधूरी रह गई, लेकिन आज की रात सारी कसर पूरी होगी। चंदन सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही अपने कमरे के बाहर पहुंचता है, वो अपनी बीवी प्रीति की आवाज सुनता है। अरे छोड़ो ना, तुम भी ना आज। I love you, sweetheart. I love you too, baby. ये क्या? प्रीति मेरी गैर मौजूदगी में किसी और के साथ रंगरेलिया मना रही है? चंदन जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि प्रीति एक कंकाल के साथ रोमांस कर रही है और ये दृश्य देखकर चंदन का सूसू निकल जाता है। नहीं, ये क्या, एक कंकाल और वो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड? चंदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रुको, अभी तुम्हारे पापा से जाकर बोलता हूँ कि आपकी बेटी का एक कंकाल के साथ अफेयर चल रहा है। नहीं चंदन, ऐसा कुछ भी करने की भूल मत करना। रुको चंदन। प्रीति एक अमीर जमींदार की बेटी थी जिसका नाम रोशनलाल था, लेकिन प्रीति को एक गरीब नौकर से प्यार हो जाता है जिसका नाम रोहित होता है। एक दिन रोहित और प्रीति दोनों कमरे में छुपकर रोमांस कर रहे होते हैं। आई लव यू प्रीति, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुमसे मरने के बाद भी प्यार करते ही रहूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहित, लेकिन क्या पापा हमारे इस रिश्ते को अपना पाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई छोरी नहीं की, छुप छुप के आहें भरना क्या। प्रीति मेरी जान, ये सब छोड़ो और चलो जल्दी से मुझे एक जादू की झप्पी और होठों पे पप्पी दे दो। हाँ जानू। तभी वहां पर रोशनलाल आ जाता है और वो उन दोनों को रोमांस करते हुए पकड़ लेता है, जिसके बाद रोशनलाल के आदमी रोहित को मार मार कर उसका भरता बना देते हैं। आ, 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 मालिक मालिक, मारो मत मुझे प्लीज। मत मारिए उसे, वो मर जाएगा। प्लीज उसे मत मारिए। पापा
पापा रोकिए ना इन दरिंदों को। दरिंदा तो ये कमीना है, नहीं मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे आज मार ही डालूंगा। रोशनलाल राइफल लाता है और रोहित को शूट करता है। रोहित वहीं मर जाता है। नहीं, नहीं, रोहित। रोशनलाल के आदमी रोहित को एक कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। कुछ दिनों बाद प्रीति रात में उस कब्रिस्तान में जाती है और रोहित के कब्र के पास बैठकर रोती है। I miss you, रोहित। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रही हूँ। पापा ने गार्ड्स को मेरे कमरे के बाहर तैनात कर दिया है, लेकिन अब सब सो गए हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन अफसोस, अब तुम मुझसे कभी मिल नहीं पाओगे। इससे पहले कि वो गार्ड्स नींद से जाग जाए, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। बाय रोहित। प्रीति उस कब्रिस्तान से बाहर जा ही रही होती है कि तभी उस कब्र को तोड़ते हुए उसमें से कंकाल रोहित गॉगल लगाकर बाइक पर सवार होकर प्रीति के सामने आता है। रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा, लड़की है या जादू, खुशबू है या नशा। रोहित तुम? हाँ प्रीति डार्लिंग, तुमसे वादा किया था ना, मरने के बाद भी प्यार करता ही रहूंगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड इंसान से कंकाल जरूर बन चुका है, लेकिन हूँ तो मैं तुम्हारा रोहित ही मेरी जान। प्रीति और रोहित एक दूसरे के गले लगते हैं। उस दिन से दोनों एक दूसरे को रोजाना मिलते हैं। रोशनलाल प्रीति की शादी एक अमीर बिजनेसमैन चंदन से करा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी चंदन जब घर पर नहीं होता तब पूरा दिन प्रीति अपने कंकाल बॉयफ्रेंड रोहित के साथ प्यार भरा समय बिताती है। एक रात प्रीति और रोहित का राज चंदन के सामने आ जाता है। चंदन भाग भाग कर टेलीफोन के पास जाता है और रोशनलाल को सारा सच बता देता है। नहीं चंदन, चंदन तुमने ये क्या किया? चुप रहो तुम, इस रोहित की तो मैं। चंदन रोहित और प्रीति दोनों को अलग अलग जगह बांध देता है। रोशनलाल अपने आदमियों संग तलवार लेकर आता है। रोहित अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। नहीं प्रीति, आज शरद पूर्णिमा की रात है, आज मेरी शक्तियां काम नहीं करेगी। आज तो इस कंकाल रोहित का किस्सा मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तभी रोशनलाल कंकाल रोहित को तलवार से काटने जा ही रहा होता है कि तभी अपने दांतों से रस्सी तोड़कर प्रीति आगे आ जाती है और उसका गला कट जाता है। प्रीति, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? प्रीति! जीते जी तो मैं और कंकाल रोहित कभी एक नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं खुद कंकाल बनकर अपने रोहित के साथ रहूंगी। तभी प्रीति और रोहित पर आसमान से पूर्णिमा के चांद की रोशनी पड़ती है और दोनों गायब हो जाते और कंकाल लोग जाकर एक सुखद जीवन जीते हैं। दोनों को आखिर ऊपर वाले ने एक कर ही दिया।